हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रोजगार में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे गेस्ट लेक्चर वैकेंसी की, जो अलग अलग कॉलेजेस में आई है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं नवीन जो शासकीय महाविद्यालय अर्जुनी विकासखंड डोंगरगांव और राजनांदगांव जिले के अंतर्गत इस कॉलेज में गेस्ट लेक्चर की वैकेंसी अब आ गई है। और लगभग अब हर ज़िले में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें की वैकेंसी गेस्ट लेक्चर की अब आना स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस कॉलेज की वैकेंसी की। तो यहाँ पर देख सकते हैं गेस्ट लेक्चर की जो वैकेंसी है, इसमें हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पोस्ट हैं, इंग्लिश के आपके एक पोस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस के एक पोस्ट हैं, इकोनॉमिक्स के एक पोस्ट हैं, भूगोल के एक हैं, इसी तरीके से केमिस्ट्री के एक पोस्ट हैं। देन उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बॉटनी के एक पोस्ट हैं आपके, देन जूलॉजी के, यहाँ पर फिज़िक्स के देख सकते हैं, मैथ्स के, और कॉमर्स के अंतर्गत अगर आप देखें तो यहाँ पर दो वैकेंसी टोटल है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए जनरली जो क्वालिफ़िकेशन है दोस्तों, वो मास्टर डिग्री मांगी जाती है जो भी रिलेटेड आपका सब्जेक्ट है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर अगर आपका नेट या शट क्लियर है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ये परसेंटेज बेस पे ये वैकेंसी फुलफिल होती है। और इसके लिए देख सकते हैं इस कॉलेज में एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट है 18 जुलाई शाम को 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं सैलरी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 1200 रुपये पर आपको पीरियड या कह सकते हैं मंथ में 31,200 रुपये तक की सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो सारे ही डॉक्यूमेंट के साथ आपको एक एप्लीकेशन लिखना है और उस एप्लीकेशन में ये मेंशन करना है कि मैं इस कॉलेज में अतिथि व्याख्याता के लिए पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, और ये आपकी थी राजनांदगांव की वैकेंसी। इसी तरीके से हम पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आई हुई गेस्ट लेक्चर वैकेंसी की बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो गेस्ट लेक्चर की वैकेंसी आई है, वो डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत 3 पोस्ट निकाले गए हैं, जबकि बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत 3 पोस्ट निकाले गए हैं। यहाँ पर 18 जुलाई यहाँ पर भी लास्ट डेट है। तो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर देख सकते हैं MSc आपका माइक्रोबायोलॉजी मांगा है या फिर आपका बायोकेमिस्ट्री। तो इसके साथ ही साथ आपके पास अगर MPhil है, PhD है, नेट है, सेट है या फिर गेट है, तो ये एडिशनल आपके पास बेनिफिट बन जाता है। और ये डॉक्यूमेंट जो लगने वाले हैं देख सकते हैं 10th 12th BSc MSc PhD नेट सेट के सर्टिफिकेट्स। और सैलरी वही आपके जो अभी मेंशन किया हुआ था CG गवर्नमेंट के थ्रू, वो यहाँ पर लागू होगी। तो यहाँ पर भी ये देख सकते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के जो स्कूल ऑफ स्टडीज़ इन लाइफ साइंसेज जो डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत ये पोस्ट निकाले गए हैं। तो इसके लिए भी आप 18 जुलाई तक एप्लीकेशन कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी, उसमें आई हुई एक गेस्ट लेक्चरर वैकेंसी और एक जो रहेगा वो परमानेंट आपके जो टीचर हैं उसकी वैकेंसी रहेगी। तो चलिए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, जो आपके इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है उसके अंतर्गत जो आपका एग्रीकल्चर कॉलेज है कुनकुरी जसपुर के अंतर्गत जो गेस्ट लेक्चर की वैकेंसी आई है वो इस प्रकार है। यहाँ पर देख सकते हैं गेस्ट लेक्चर की वैकेंसी के अंतर्गत जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के एक पोस्ट हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के एक पोस्ट है, हार्टिकल्चर की एक वैकेंसी है, देन सॉइल साइंस की एक वैकेंसी है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की एक वैकेंसी है और प्लांट पैथोलॉजी की एक वैकेंसी है। इसमें मास्टर डिग्री आपका मांगा गया है, देख सकते हैं एग्रीकल्चर में 55% के साथ जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है। और आपका यहाँ पर अगर नेट क्लियर है, ये जो पब्लिकेशंस वगैरह हैं जनरल्स, तो उसमें ये चीज़ें मेंशन की हुई है। और ये देख सकते हैं PhD डिग्री नेट के साथ हैं, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए जो एप्लीकेशन करना है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डेट 21 जुलाई तक यहाँ पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और जो ये देख सकते हैं आपको एप्लीकेशन किस तरीके से करना है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है वो सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, फोटोकॉपीज़ के रिवलेंट डॉक्यूमेंट के साथ आपको ऑफलाइन के माध्यम से ये जो आपका पता लिखा है डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन, उसके बाद यहाँ पर आपके
कुनकुरी का जो पिन कोड है ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, जो TA DA ये कुछ भी नहीं दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन का फॉर्मेट ये दे दिया गया है, इसको आपको प्रिंट करके, आपको सारे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करके जो यहाँ पर कॉलेज का एड्रेस है उस पर सेंड करना है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी रायपुर के अंतर्गत परमानेंट टीचर की वैकेंसी आई है, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट को हमने डाउनलोड कर लिया है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये परमानेंट रेगुलर टाइप की वैकेंसी है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाए गए हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर साइंटिस्ट के ऑब्लिक पोस्ट निकाले गए हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एज अ साइंटिस्ट के पोस्ट, तो इसमें देखेंगे एग्रोनॉमी के अंतर्गत 4 पोस्ट हैं, जिसमें आपके UR यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट हैं, ST के लिए 1 पोस्ट हैं, OBC के लिए 1 पोस्ट हैं। इसी तरीके से आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के देखेंगे तो 3 पोस्ट हैं, जिसमें एक जनरल कैटेगरी के, एक ST के और एक आपके SC के पोस्ट हैं। इसी तरीके से एग्रीकल्चर स्टैटिक्स के पोस्ट हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। देन यहाँ पर इंटेमिनोलॉजी के अंतर्गत यहाँ पर देखेंगे 2 पोस्ट हैं। देन उसके बाद आपके यहाँ पर देख सकते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत 3 पोस्ट हैं। तो टोटल यहाँ पर अलग अलग ये देख सकते हैं क्रॉप फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, लाइफ स्टॉक, प्लांट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन सभी की वैकेंसी है। तो इसमें देखेंगे आप टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी है 30 के अराउंड वैकेंसी है, 2 वैकेंसी जो है आपके लाइब्रेरियन के पोस्ट निकाले गए हैं। तो टोटल यहाँ पे 32 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए आप एप्लीकेशन जो है इंदिरा गांधी की वेबसाइट जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। 16 तारीख के डेट लास्ट है यहाँ पर मेंशन की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वालिफ़िकेशन है, मास्टर डिग्री मांगा गया है 55% के साथ, आपका नेट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ एक अच्छे जनरल में आपका पेपर पब्लिश होना चाहिए। अगर PhD है तो भी यहाँ पर आप प्रिफेयर आपको किया जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए यहाँ पर जो MLib यानी कि मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरियन साइंस मांगा गया है 55% के साथ। और भी जो डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन है या फिर क्वालिफ़िकेशन है, उसको आप इजली पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 35 ईयर लास्ट दिया हुआ है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ST SC OBC के लिए जो रूल रेगुलेशन है रिजर्वेशन का, वो यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। देन यहाँ पर देख सकते हैं जो फॉर्म की फ़ीस, तो यहाँ पर देख सकते हैं UR एंड OBC के लिए 1000, जबकि ST SC के लिए 500 यहाँ पर आपको फीस देने होंगे। ये सारे इंफॉर्मेशंस लिखी हुई है, जिसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये देख सकते हैं किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 10+2 के लिए 5 मार्क्स, UG के लिए 15, PG के लिए 20, PhD के लिए 15, और देन उसके बाद नेट के लिए 10, इस तरीके से 65 मार्क्स, और ये एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए इस तरीके से देखते हुए आपका यहाँ पर 100 का यहाँ पे मार्क्स का आपका इंटरपर्सनल यू, ये 15 नंबर का होगा पर्सनल इंटरव्यू। इस तरीके से आपकी क्वालिफ़िकेशन को मेज़र करते हुए आपका सिलेक्शन होगा। तो आई होप ये वीडियो, ये वैकेंसी आपको पसंद आए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके के गेस्ट लेक्चर और टीचर वैकेंसी से रिलेटेड आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ।